इस वर्गा बेईमान पूरे गांव में जी, घटिया लेवल का बंदा जी। ना इसने गांव में कोई बोलने की शहनशाह जी। गांव में लेडीज राशन लड़की भी लेने जाती हैं, लेडीज भी लेने जाती हैं। खुद मैंने देखा जिसको किसी के राशन कार्ड आधार कार्ड फेंक कर मार रहा है, किसी को बदतमीज बोल रहा है, किसी को राजनीतिक में जी। ना ये कोई गांव में इन्हें पंचायत मेंबर भी बनाया तो मैं गारंटी दूं जी, गांव में इलेक्शन में होवेंगे इन्हें पंचायत मेंबर उठाओ। इन्हें कोई पंचायत मेंबर भी बनाया तो नहीं, गांव में मैं गारंटी दूं जी। पूरा गांव में आप सर्वे कर लिया कर पूरे, क्योंकि बेईमान आदमी का कोई डिपो चलाने का दायित्व तो नहीं बढ़ता। मैं तो अनुरोध करता हूँ DFSC से भी, ऊपर प्रशासन से भी, भाई डिपो को रद्द कर दिया जाए। अगर उसमें ब्लेम पाया जाता है, ये लोग वो लोग हैं जो 5-5, 6-6 किला के मालिक हैं। ये लोग वो लोग हैं जो लोग मतलब ये कभी आते नहीं। आज तक जिसने मेरे ऊपर ब्लेम लगा, इसकी आज तक ऑन मेरी मशीन नंबर में कोई पंचिंग भी पा जाए तो भी मैं गुनाहगार। मैटर नहीं है जी, इनकी आपस की लड़ाई है, ये आपस में लड़ो। और जो मेरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं नी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं वहाँ ऊपर पहुँचेंगे जी। अभी आरोप के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहें संदल चल हरियाणा के साथ। गांव गोली के जो दो लड़के जिनके ऊपर महिला ने आरोप लगाए हैं कि उसके साथ छेड़खानी की गई है, वो लड़के जो यहाँ पहुँचे हैं और कुछ गांव के और सदस्य भी जो है यहाँ पहुँचे हैं, तो बातचीत करेंगे किस तरीके से जो है आरोप इनके ऊपर जो लगाए गए हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठ। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहेगा आसन हलचल हरियाणा के साथ। नाम बताइए, आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं एक महिला द्वारा, क्या मैटर है, क्या कहानी है? मैं उस महिला को जानता भी नहीं हूँ जी, और वो आरोप करमवीर नैन ने लगवाए हैं जी। और करमवीर नैन ने मेरे को और मेरे घर पे जाकर धमकी दी जी। मैं अभी तो आपका लड़का 4-5 महीने में खाट से उठा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, उसमें मैं इलाज चल रहा जी अभी भी। उसने कहा कि 4-5 महीने में तो उठा, और मेरी दरखास्त देकर इसने दोबारा फिर खाट में पड़ने की तैयारी कर ली। गया धमकी क्यों दी आपको? धमकी इसलिए दी जी क्योंकि मैंने उसके डिपो में घोटाला कर रहा था जी, वो बहुत बड़ा जी। मैंने उसकी दरखास्त दी जी, उसकी विभाग के साथ भी सेटिंग है जी। विभाग ने गांव से कम 50 आदमियों के तो लिखित बयान थे और 30-40 सामूहिक बयान थे और आधार कार्ड के साथ साइन हुए थे लगभग 100 के लगभग। उन्होंने 22 ही दिखाए, पहले तो उसका डिपो रद्द दिखा दिया, फिर सेटिंग शूटिंग करके जी उसने पैसे खिला के विभाग को, तो उसने सप्लाई सस्पेंड रखवा ली। तो इस कारण हम कल गए थे जी करनाल DFSC साहब के पास जी, जो समस्या थी जी हमारी डीप होगी जी। क्यों तो कल जब आपने लाइव होकर के करमवीर नैन के ऊपर आरोप लगाए हैं, वो कितने सच्चे कितने झूठे हैं? वे सच्चे हैं जी, उसमें कोई डरने की बात नहीं है जी। उसमें वो लुगाई है ना जो वो ऐसे ही कर रही है जी, जैसे मेरी लोकेशन चेक कर लो जी, वो बोल रही है कि मेरे को यहाँ आगे संत छेड़ के गाजो में संत आया भी हो तो मेरी लोकेशन चेक कर लो जी। तो उसके दरखास्त देने के बाद आया नहीं जी। मैं 2 बार पानीपत तो गया जी दवाई लेने के लिए जी, 1-3 तारीख को और 1-5 तारीख को जी। आज हॉस्पिटल में जाके पता कर लियो जी। किस चीज़ की दवाई लेके आए? मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, मेरी पेशाब वाली नाली कट गई थी जी, उसका ऑपरेशन भी हो रखा है और वहाँ से मेरा इलाज चल रहा जी। तो धमकी आपके घर में दी कि कौन धमकी? धमकी धमकी मेरी भाभी और मेरी माँ थी जी वहाँ पे दे के गा जी, धमकी दे के गा जी। ऐसा बोला कि अभी तो ये 4-5 महीने में खाट से उठा था, इन्हें मेरी दरखास्त देकर बोर्ड के फिर उसमें खाट में पटने की तैयारी कर ली क्या? तो इस करके इन्होंने मेरे पे ये इल्जाम लगवाया जी, लुगाई का जी। तो इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है जी, झूठे इल्जाम लगा रहा मेरे पे। इस औरत से कोई नाता है आपका? इस औरत से मेरा करमवीर नैन पर आरोप लगाए, किस आधार पर लगाए थे? कोई उसके पास आपके पास कोई सबूत है या कोई गवाह है? ये जी इनके पास सबूत है जी, इन्होंने बोला था जी मेरे पास जी, इनके पास सबूत है जी, वीडियो भी है जी इनके पास जी। अच्छा, तो जो जिस महिला पर आपने आरोप लगाए थे, जैसे कहे थे अभी आपने करमवीर नैन उनको लेकर भागे हैं, वही महिला उनके साथ आई है? वही महिला उनके साथ आई। उसी महिला ने आप पर आरोप लगाया कि आपने उनके साथ छेड़छाड़ की है, बच्चों को किडनैप करने का मारने? हाँ जी, उसी महिला ने आरोप लगाए जी हम पे जी। वही महिला जी, ये मैं इसको जानता नहीं हूँ जी, लेकिन मेरे को तो कल ही पता चला जी, ये यही वो है जी, ये शख्स है जी वो जिसने मेरे ऊपर इंजाम लगाए हैं। अच्छा, महिला को भी जानते? नहीं जी, महिला को भी जानते जी। फिर क्या लगता है आपको, जो आरोप आप पर लगे हैं किस आधार पर लगे हैं? वो ये डिपो के आधार पर लगे जी, ताकि मेरा डिपो रद्द होने से बच जाए, अपनी दरखास्त वापिस ले ले और मेरा घोटाला ऐसे ही चला रहे। कल क्या देने के लिए गए थे DFSC? DFSC को हम कल जी वो एफिडेविट देने गए थे जी, ये रिज्यूम की कॉपी जी।
क्या है उसके अंदर, लोगों को राशन नहीं मिलता, क्या दिक्कत? राशन नहीं मिलता जी, गाली गलौज करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है जी, उसकी पहले भी वीडियो है जी हमारे पास जी उसकी, जिसमें वो गाली देता है कि कैच कटवाए दूंगा, थंबनेल लपेट कदर दूंगा, सारे कुंड पे मैं धमकी देवा जी, सारी वीडियो है जी हमारे पास, लोगों का जीना आराम कर रखा जी उन्हें गाँव में। ये एफिडेविट है जी, और मैंने 2 तारीख को एफिडेविट लिया था, जिस दिन मेरे को धमकी दे के गया जी वो, तो 2 तारीख को मैं एफिडेविट पे लिख दिया था धमकी दे के गया जी, ये उसकी फोटोकॉपी है जी, जो कल मैं FSC ऑफिस में देखा जी, हम तो SP का भी दे रहे थे जी, लेकिन मेरा परिवार मना कर गया, भाई गांव का मामला है तो उसमें ज़्यादा बहस हो जाएगी, लेकिन ये आदमी तो घिनौनापन दिखा के ने, लेडीज का सहारा लेके ने और मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है जी। महिला पुलिस स्टेशन पर पहुंचे, क्या नाम है? हरिओम है। जिस महिला, थोड़ा नीचे नीचे कर लो, जिस महिला ने आरोप लगाए हैं, क्या उसके साथ नाता है, क्या है जी? ये मेरी पहले भाभी थी, ये करीमबीर है, ये मेरा चाचा है, इसी ने मेरे भाई का रिश्ता करवाया था, इसके बाद इसके और मेरे भाभी के ताल्लुक थे, गंदे व्यवहार थे इन दोनों, करीमबीर के और मेरे भाभी के। नहीं, आप एक ही जमात, एक ही बिरादरी से हैं क्या? हाँ जी, ये मेरा चाचा है। अच्छा, वो ये मेरा चाचा है, वो मेरी भाभी। हाँ जी। अच्छा, ये उसको जीजा कहती है, हालांकि इसने चाचा कहना चाहिए, नाता देखो जी, चाचा कहाँ और जीजा कहाँ, मेरी भाभी थी, मेरा चाचा था, इन दोनों के गलत संबंध है। मेरे पास सबूत भी है, इनकी रिकॉर्डिंग भी है, गंदा बोल रहे हैं, गंदा वो आपस में इनके ताल्लुक है। फिर इसने करीमबीर ने हमारे को धमकी दी, भाई इसको ठीक रखो, ये रखो, इसने हमारे पैसे भी खाए। अच्छा, हाँ जी, किस चीज़ के पैसे खाए? भाई इसको ठीक रखो, नहीं तो मैं तुम्हारी तलाक करवा दूंगा, केस करवा दूंगा, मैं तारे को जेल में डलवा दूंगा, ये हमारे को बहुत धमकी दी। फिर डिवोर्स कब हुआ था आपके भाई के साथ इनका? ये 2011 में केस चला था, 2015 में करीब, लगभग 2015 के आसपास डिवोर्स हुआ। अच्छा, डिवोर्स हुआ, उसके बाद आपके कॉन्टेक्ट में रहे थे? उसके बाद हम इसको जानते नहीं, हमारे को मिली नहीं, हम इसको पहचानते नहीं, कौन है, कहाँ रहती है, कैसे नहीं, आपने रहती बताया है। था उसके बाद भी शादी हुई है, तलाक हुए हैं उसके बाद? हाँ जी, आप आ जाओ ना, फिर उसके उसके बाद बेटा एक मिनट बताओ, पहले गुआन पर शादी करी इसको, उसके बाद हमारे तलाक होने के बाद गुआन पर से इसको पैसे उठाए, फिर वहाँ से पैसे उठा कर ये पाजू कला में सफेदम के पास, यहाँ भी उसको शादी की है। मैं उसका पिताजी हूँ, लड़के का, इसका हरिओम का पिताजी हूँ, सिंदर का पिताजी हूँ, करमबीर का भाई हूँ, बड़ा करमबीर का भाई। हाँ जी, सगा। माँ का दादा बापा को अलग अलग है। अच्छा, माँ का एक ही है? माँ की एक ही है, मेरा पिताजी ने गुजर के थे, हमारी माँ ने जेठ का लता उड़ लिया था, ये जेठ के लड़के हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो इन्हें गलत संपर्क करे हमारे साथ, उसको अपनी जनानी बना के रखे, तो हम कोर्ट में पड़ गए, कोर्ट में हमारा तलाक हो गया, उसके बाद इन्होंने गुआन पर भी आई, वहाँ से पैसे उठाए, और फिर ऑर्डर पैसे उठाने के बाद पाजू कला पे आई, पाजू वहाँ से पैसे उठा लिए, दोनों जगह के कागज हमारे पास आए, तो हमने मांगे हैं, मिलने वाले हैं। अभी कहाँ रहती है? अभी ये असंध में रखता है जी, अपने घर पर। इसके खुद मोहल्ले एक है, करमबीर ने अपने घर पर रख रखी है। करमबीर ने क्यों रखी हुई है? ये अपनी दूसरी जनानी बना कर रखी है। अच्छा जी, हाँ जी, अपनी दूसरी जनानी, एक जनानी तो मेरे सामने गाँव में रहती है, एक जनानी ये अपनी बना कर रखता। तो आप क्या सोचते हो इसको, मतलब जो कंप्लेंट करवाई है वो किस तरीके से करवाई है? वो गलत संयोग से करवाई है उससे लेडीज ने। आपके बेटे है जो उन पर? अच्छा, मेरे बेटे पे और भाई भाई लड़के पे, इनको गलत उस पर कराया, इन्हें कोटे की इसने करी है लड़के ने, और कोटे के ऊपर ये गलत उसके उकसाया है, उसने गलत शब्द कराया, मतलब दबाव बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए जी। जी हाँ जी। तो आज आप महिला पुलिस स्टेशन पहुंचे हो, तो मैं अपने कागज लेकर करोट केयर और सब कुछ लेकर मैं महिला मंडल में रख सकता हूँ जी, और मीडिया के सामने भी मैं कागज दे सकता हूँ जो इन्हें हमारे साथ करे हैं जी। क्या हमने अब इसके पास कंप्लेंट की थी, ये देखो जी, क्या है इस कंप्लेंट में? इस कंप्लेंट में ये है जी हमारे को, इसके ये यहाँ से देखो, हमारा चाचा करमबीर, कौन सी तारीख में शादी का, ये तो कंप्लेंट लिखवाई थी जी हमने, कौन से झगड़े 2012 में। अच्छा, हाँ जी, क्या है फिर इस पूरी कहानी? इसमें है ना, रेखा के और इसके करमबीर के ताल्लुकात थे, हमारे को मतलब मारने की ये धमकी दी गई थी, इसमें हमारे करमबीर चाचा पत्नी रेखा इसके संबंध है, नाजायज संबंध है। ये देखो जी, इस टाइम में प्लाट का, जैसे आपने बताया प्लाट का क्या इशू था? प्लाट का ये है जी हमारा, ये हमारी 14 मरले की वो है जी,
रजिस्ट्री है जी, इंतकाल है, प्लस ये कोटे का है जी हमारे पास, कोटे के कागज जिस जगह पे ये कोटा गे रखा है ना जी, ये हमारी जमीन है कानून में, जब ये DFSC को हमारे इसकी वो ही थी, हमने कंप्लेंट भी की थी कि ये जमीन हमारी है जी, लेकिन DFSC ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, ये उसके तलाक के वो कागज है जी। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय जो जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जिस महिला ने, तो वो व्यक्ति यहां पहुंचे हैं, गांव के और लोग भी हैं, करमवीर के भाई भी हैं और भी जो सदस्य हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं महिला थाना में। इन तस्वीरों का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा संदल चल हरियाणा के साथ। केस को रफा दफा करवा दूंगा, ये महिला को सामने लेके आया हमारे ऊपर केस डाला है। कब की बात है ये? लाइव हुआ था जी 2 तारीख को, और अब ये महिला बोल रही है कि भाई मेरे को छेड़छाड़ है, मेरे बच्चे को धमकी दे रहे हैं, मैं इसको हमारी लोकेशन चेक कर लो जी, कब की ये छेड़छाड़। नहीं सुने कि ये कहा था कल कि असंध में जो है पिछले काफी दिनों से तंग कर रहे हैं। नहीं जी, हम तो 2 तारीख के बाद, 2 तारीख पिछले महीने दिसंबर की 2 तारीख को हम घर से बाहर गए नहीं। महिला ये कह रही है कि बच्चे को मारने तक की धमकी दे रहे हैं। बच्चे को हमारे को पता ही नहीं जी, ये कहाँ रहते हैं बच्चे, हमें पता नहीं है, गांव में रहते हैं, संध में रहते हैं, हमारा तलाक होने के बाद कोई भी संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई जान पहचान नहीं। अब नाम बताओ अपना। मैं फतेह सिंह गुज्जर गोली। फतेह सिंह, 2 व्यक्तियों के नाम दिए महिला ने, हुआ तो उनके दिए हैं जी। हाँ, तो उसमें कैसे आए आप, कैसे आए साथ में? मेरी जिनानी जी कोटा लेने गई थी, आधार कार्ड बगैर के मर गया, बोले पथले पीछे नहीं आए, बिना पैसे थाने में कोटा लेने के लिए आए इनके साथ आए हो? थाने में कोटा लेने आए इनके साथ आए, बताओ ना। इनके साथ आए जी। थाने में कोटा लेने की क्या बात होगी, कोटे पे तो रोला ही। अच्छा, फिर पूरी कहानी सुनाओ ना, क्या है? मेरी जनानी का आधार कार्ड बगैर के मर गया, वह कराया कर रोन लग गई, बोली तने पछले पीछे नहीं दिए उसके, मचाल में देखूंगा। मैं गया, मारा तेरे पीछे नहीं दिए, बोले ये दौड़े दो हाथे अर्धा मेरे तो है गए, बिना पीछा दिया कोई कोटा ले दे देगा? मैं बोले वहां रुकर देवहानी दे दे। अरे भाई मैं ये पूछ रहा, यहाँ कोटा लेने आए कि जो 2 लड़कों की शिकायत दे रखी, ये गलत दे रखी जी, तो उसकी बात करो ना आप, ये बिल्कुल गलत दे रखी, या दोनों लड़के की दरखास्त दे रखी, बिल्कुल गलत दे रखी, बस इसमें इनका कोई खोट नहीं, रोला कोटे पे है, रोला कोटे पे है, बस रोला कोटे पे है। मैं तो जी गुज्जर बिरादरी से हूँ, ये बिराजी है। हाँ, जो ये आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल निराधार हैं। इस आदमी का करैक्टर इसी प्रकार का है, कोई भी अपने कोटे के दबाने के लिए कोई भी इनके ऊपर आरोप लगा सकता है। ठीक है, हाँ, ये जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल ही निराधार हैं, कोई भी इन बच्चे की गलती नहीं है, गांव में पूरी तहकीकात कर सकते हैं इनके। हाँ, शिकायत की है, उसको जानते हैं ये? उसको जानते भी नहीं, शक्ल से भी जानते नहीं। आप लोग जानते हैं? नहीं, हमने भी आज तक नहीं देखी है जी वो। अच्छा, हाँ, तो उसने कहा कि भाई बाजार में मेरे को छेड़ा गया है? नहीं नहीं, कोई ऐसे जवार की बट्टी है उसके ऊपर लगी हुई है। इसी प्रकार गांव में पूरी तहकीकात कर सकते हैं, ये बिल्कुल निराधार हैं, ये बच्चे बिल्कुल शरीफ बच्चे हैं, इनके में कोई भी कमी नहीं किसी भी प्रकार की चरित्र में, आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल ही गलत हैं। भाई क्या नाम है? मेरा देविंदर शर्मा नाम है जी। देविंदर, क्या मैटर है? जैसे आपको पता है महिला ने आरोप लगा दिए इन लड़कों के ऊपर कि उसको छेड़ा जाता है, जब वो असंध आती है असंध ही रहती है वो, और बच्चों को मारने, जान से मारने की धमकी, क्या है लेडीज के बारे में? तो ऐसा सर, ना तो देखो मैं इसको जानता हूँ जी, ना मैंने इसके बारे में कोई पता जी लेडीज के बारे में। ठीक है जी, रहेगी बात धमकी की जी या छेड़खाने की जी, ऐसा तो पहली बात तो ये लड़का करता नहीं जी ऐसा क्रम। दूसरी बात, जो ये लेडीज है या कोई भी, देखो हमने इसको पर्सनली कभी मैंने देखा नहीं, ना मैंने कभी जाना जी। जो मेन मुद्दा था हमारा वो था डिपो पे जी, गांव में, जो कि 2 तारीख को हमारे गांव में इसके पास खिलाफ कार्रवाई की गई थी भाई। प्रशासन जो अपना DFSC करनाल है, उसने टीम भी भेजी थी हमारे पास गांव में। उसके बाद जो अपने ये आए थे डिपो, प्रेस भी आई थी वहां पर, तो इसी के उस पर मुद्दा उठा था जी हमारा। इसने गांव में घोटाला कर रखा डिपो में जी, सारे गांव को परेशान कर रखा जी, राशन को टाइम पे नहीं देना जी, और कहने का मतलब ये है जी गलत व्यवहार करता जी बोलने चलने में जी। इसकी क्लियर बात ये है जी सबसे, इसने और तो कोई तरीका दिखा नहीं भाई, लड़के को और तो कैसे भी फंसता नहीं, तो भाई लड़के को कोई
बहाना तो चाहिए भाई इसको फंसाने का, तो इसने इसका सहारा लिया जी। दूसरी बात जी, जो इसने घोटाला कर रखा है, ये गांव में धमकी भी दे के फिर रहा है। इसने कह अभी है भाई जिन्हें मेरे पास मेरे खिलाफ़ सुनो मेरे बात, जिसने इसको बोलिया भाई मेरे को, जिसने मेरे को धमकी नहीं ये दी है लोगों को कई जने को, भाई जिन्हें मेरे खिलाफ बयान दिए हैं, मैं उनको मेरे जब मेरा टाइम आएगा नहीं, मेरी कोई भी वो आएगी तो मैं उनको देख लूँगा। मैं करमवीर नारायण से इतनी बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको आप अपनी जगह सही हो तो खुले आम है क्या गाँव में पंचायत करो, गांव में पंचायत भी है, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी है, उनको बटला करो भाई, पंचायत करो गांव में, भाई मैं अपनी जगह सही हूँ तो मेरे खिलाफ क्यों कार्रवाई करी जा रही है। यदि DFSC के बच्चे ये पहुँचे हैं लड़के गांव में, कम से कम 50 टाम आए हैं जिसके खिलाफ, यदि गाँव में एक बंदा गलत हो उसका है, मैं हूँ चलो मैं इसके खिलाफ गलत हो उसको भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ उसके प्रति, अदर 100 मेंबर गाँव में झूठे नहीं हो सकते सर, ठीक है जी। करमवीर नारायण ने यह कहा है BPL कार्ड है 110। अच्छा जी, और 110 तो नहीं, वो कहा 100 के साइन में ला सकता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं जी, क्लियर है ना। तो मेरे गांव में यदि BPL परिवार होंगे तो इतने साइन ला सकता जी, ना कोई ये झूठ बोल के साइन कराता है, धमकी देता है भाई, कहना मतलब यदि मेरे खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करी तो मैं तुम्हारे राशन कार्ड कटवा दूंगा। इसने गाँव में काफ़ी लोगों को धमकी दी है इस चीज़ की, भाई मैं तुम्हारे राशन कार्ड कटवा दूंगा यदि आपने किसी ने मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करवाई तो। बेईमान पूरे गांव में जी, घटिया लेवल का बंदा जी, ना इसने गांव में कोई बोलने की शहनशाह जी, गांव में लेडीज राशन लड़की भी लेने जाती हैं, लेडीज भी लेने जाती हैं, खुद मैंने देखा जिसको किसी के राशन कार्ड आधार कार्ड फेंक कर मार रहा है, किसी को बदतमीज बोल रहा है, किसी के गुंठे पंच करवा लेता है, किसी को राशन नहीं था, खुद मेरे साथ भी किया सर इसने। मैं इसके पास 26 तारीख को वो लेने के लिए गया राशन जी, राशन लेने गया तो इसने क्या करा, मेरे से पंच करवा लिया जी, मैंने पंच कर दिया, मैं इन्हें मेरे को गेहूँ दे दिए जी, मैं गेहूँ लेके आ गया। आने के बाद मैंने इसको बोला मैं भाई नैन साहब मेरे को राशन मेरा आटा रह गया, आटा और दे मेरे को, बोला मैं आपको जी 29-30 तारीख तक आटा दे दूंगा। मैं भाई चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको 30 तारीख तक कॉल करी, उसके बाद ही मेरे को बोला भाई आटा खत्म हो गया है और आटा नहीं है मेरे पास और आटा आपका खत्म गया। मैं भाई चलो कोई बात नहीं, मैंने तुरंत कहीं फ़ोन किया मैं आपके पास आटा होता मैं पंच कर दूंगा, आप मेरे को आटा दे दो। बोला भाई तू आप ऐसा कर मेरे पास अपना आधार कार्ड भेज दे, मैं चेक कर लूँगा, 5-7 किलोमीटर आओगे भी परेशान भी होगे और कहना मतलब आटा आपका लिकड़ के होता फिर मैं कैसे दूंगा। मैंने तुरंत उसके पास अपना आधार कार्ड भेजा तो वो मेरे पास से फ़ोन आया उसका, बोला भाई आपका 26 तारीख ना आपका आटा लिकड़ चुका है, दोनों चीज़ इकट्ठी लिकड़ रही है आपकी। मैंने इसके पास गया, मैं वहाँ जाने के बाद मैं बोला भाई नैन साहब मेरा तो आटा आउट हो रहा, बोला अभी कुछ नहीं बोलिया मेरे से, बोला मैं कोई बात नहीं आपको नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। इसने मेरे भाई को बोलिया पंडित जी अपने भाई ने तो बड़ा समझाइए, वो मेरे को बड़ा गलत शब्द बोल के गया है और मैं आटा दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वो भाई बोले इसको, बोले भाई साहब आप गलत क्यों करते हो फिर ऐसा, इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। यार आदमी खुद गलत नहीं है तो यू क्यों नहीं खुआ बात कर, मैं गलत हूँ जब भी लोगों के साथ किसी का राशन में घोटाला कर रहा है, किसी का वो कर रहा है तो यू चीज़ क्यों नहीं आपने वो करता। यदि ना लड़ाई लड़नी है तो क्लियर लड़ो बंदे से, भाई हाँ मैं सही हूँ, भाई मैं प्रूफ करूँगा चीज़ का, प्रूफ करो चीज़ को बंदा। कल कुछ राजनीतिक आदमियों से भी बात हुई, भाई राजनीतिक में भी बड़ा ईमानदार आदमी है, बड़ा ये ना तो राजनीतिक में आप लोग इसको जबरदस्ती फंसाने लगे। नहीं नहीं जी, ना तो ये कोई राजनीतिक में जी, ना ये कोई गांव में, इन्हें पंचायत मेंबर भी बनाया तो मैं गारंटी दूं जी, गांव में इलेक्शन में होवांगे इन्हें पंचायत मेंबर उठाओ, इन्हें कोई पंचायत मेंबर भी बनाया तो नहीं गांव में, मैं गारंटी दूं जी पूरा गांव में आप सर्वे कर लिया कर, पूरे गांव में का इंक्वायरी करो, प्रशासन करो या क्या बोलते हैं अपने प्रेस करो या गांव में किसी से पता करो, इन्हें कोई पंचायत मेंबर भी नहीं बनावा गांव में। ये बताओ इससे पहले डिपू होल्डर था वो, उसने भी भ्रष्टाचार किया, उन्हें भी भ्रष्टाचार करा, इसने भ्रष्टाचार किया, डिपू किसको दें, सालवन वाले ने बढ़िया बंदे। मेरी बात सुनो जी, मैं बताऊंगा उसके बारे में जी। इससे पहले हमारे गांव में महेंद्र बड़ा डिपू होल्डर था जी, ठीक है जी, उसने गांव में क्या करया, वो गांव में क्या करते लोग कहते जी ये काम हमारा राशन नहीं आया, वो क्या करता किसी को किराया देता, तंदा सीधी एक बात उसकी थी एक लैंग्वेज, आप ऐसा करो किराया देता हूँ मैं, आप करनाल जाओ चंडीगढ़ जाओ मेरी कंप्लेंट कर दो, वो भी ऐसे बोलता था। उसके बाद मेरे पिताजी 2017 में एक्सपायर हुए सर, 2017 में हुए तो उन्हें तुरंत मेरे पिताजी का वो देना बंद कर दिया, बंद कर दिया तो देना, तो मैं बोला जी कोई बात नहीं कट के आपने काट दिया होगा, मैं क्यों उस पर ऊपर जाऊँ, तो मैंने ठहका क्या करया, मैंने राशन मांगना बंद कर दिया, मैं 4 मेम्बरों का राशन लेने लग गया वहाँ से। उसके बाद मैं बोला था मैंने बंदे ऐड कराने हैं मेरे मेंबर परिवार के, इनको ऐड कर दो, पहले कोटे वाले बता रहे सर मैं आपको,
तो ये बोलिया पहले कोटे वाला ये नहीं ऐड होया करते, मैं क्यों नहीं होंगे, बोलिया कौन नहीं होंगे, मैं बोला मैं करनाल जाकर ऐड करा लूंगा, बोले ला किराया भी मैं दूंगा और आप वहाँ आ जाओ और करवा के दिखा ले। मैं चलो कोई बात नहीं, तेरे के लिए क्या बहस लगाऊ मैं इस बारे में। उसके बाद हमारे गाँव में सलवन वाले श्री ओम जी कोटे वाले, उसने हमारे गाँव में अच्छी तरह से राशन मंडा जी सारा काम कराया। फिर ये करमबीर नैन अब उसको धमकी देते हैं, कोटे वाले के भी धमकी देते हैं ये, उसका मेरे पास मैसेज आया जी आपके गांव में मेरे को करमबीर नैन धमकी दे रहा। अगर उन्हें डीएफएससी में बोला यदि आपने इसको चार्ज दिया ना कोटा बांटने का मेरे गोली गांव का तो लठ बैठ जाएगा गांव में। भाई वो इतना बड़ा सेंस आ गया भाई, गाँव में लठ बजा देगा, यू गाँव में किसी ने बढ़ने नहीं, तो फिर यू राजनीति यू रह गए सारे सौदे में। क्या मैं राजनीति किसी नाम लिखकर राजनीति में नाम नहीं सुना गाँव में। एक बात बताओ, आपको धमकी दे रहे हैं डिपो वाले को, धमकी दे रहे हैं तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की इसकी? पुलिस कंप्लेंट करने के हाँ जी, वो इंतजार था भी कोई हादसा हो? नहीं हादसा नहीं हुआ सर, मैं वो उसके लिए बोलता हूँ। जो ये सतीश लड़का है इसने ये एक्शन उठाया था, उसके भाईचारे ने कुछ पड़ोसिया ने उनने ये बोला भाई गाँव में ऐसी लड़ाई नहीं करो भाई जिससे ज्यादा मतभेद होवे गाँव में। तो इसीलिए कहने का मतलब गांव में इसको लड़के को इसने स्टाम्प भी तैयार कर लिए भाई ये ऐसे ऐसे धमकी दे रहा है, गांव में ब्रश गलत बोल रहा है, ये गांव में इसी इसी बातें कर रहा है, धमकी दे दे के बात कर रहा है। ये आदमी यदि थोड़ा गलती कर भी देता है ना इंसान तो उसको झुकना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए भाई चलो कोई बात नहीं मेरे पर गलती हो गई है, कोई बात नहीं मैंने किसी को बोल लिया है गलत बोल लिया कुछ भी बोल लिया तो मैं आगे के लिए सही काम करूँगा अपना। यार कोई भी सोच होनी चाहिए इंसान की, ये बंदा सीधी टैलेंट धमकी देता अगले को तो गलत नहीं है सर। तो कोई क्या 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 कर रहे थे आप? ये मैं ये कह रहा जी उस जनानी को बुलाया गया और इस सतीश को दिखाया गया, मार पर नू साबित करा दो, मैंने आज तक पहला यू देखा गया है किसका यू वो पहचान लग रही अंदर बैठी नहीं पहचान दी पहचान लग रही अंदर बैठी वीडियो देख के पहचान रही है नी उस तो पहला मंदिर में ली चलो ना और नुको तो आज तो पहला देखा था गई करमबीर नैन तो सारा कहने लग रहे हो राजनेता ईमानदार है आप लोग धक्के पहचान लगे इस तरह बत्ती भ्रष्टाचार गांव में नहीं इस तरह भ्रष्ट आदमी गांव में नहीं सारे में कितने टाइम से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इस पुलिस स्टेशन महिला वोमेन थाने में हम इस समय हैं और जो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो लोग जो है यहां पहुंचे उनको बुलाया गया है। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हसन दलचल हरियाणा के साथ। नुको है दूसरे तो बैठे मेरा मुँह पैड लियो मैंने वीरज शर्मा तभी कही थी पाडा उदन रात ने ब्याह मारा था माँ जी आपका नाम लेगा ना नूर नुको है वो बोला दूध तो मारण तरह भी कहने में हमने भी नहीं कसर छोड़ी। एक बात मैं भी कर रहा था गांव में कोई भी किसी के लिए बुरा या गल अच्छा नहीं होता ठीक है। हम नहीं कहते भाई हमारे लिए गल सही गलत है तो यू गांव सारे गांव के लिए बुरा भी होगा ठीक है जी। हम एक बात कहना चाहवा जी यदि जी प्रशासन ने टीम भेजी हमारे पास भाई बयान लियाओ करवा के सारे काम करो तो हमारे पास लगभग गांव के कुछ 100-110-120 लोगों ने बयान दिए अपने लिखित में फ़ोन नंबर और कहने मतलब अपना आधार कार्ड नंबर अपने नाम पता सब सुधा लग कंप्लेंट करवाई पूरे गांव में जी। फिर उसके बाद हमारे जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं जो उन्हें चार टीमा की मैनेजमेंट भेजी थी हमारे पदमिया की वो दिखाई तो कहने मतलब ये घोटाला दिख रहा पैसे खुआ रहा कहीं होकर रहा तो ये भ्रष्टाचार ये जो क्या है ये तो अपने एक दादागिरी दिखा रहा गाँव में और इससे बता क्या वो करेगा जी ये। तो नमस्कार जी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं वुमेन पुलिस स्टेशन असंध में है और जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं गोली के जो दो लड़के सतीश और हरिओम वो यहां पहुंचे हुए हैं अब जांच का विषय है तो बने रहें जुड़े रहें इन तस्वीरों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करें। प्रशासन से मिले हो क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन से मैं मिला था पूरी बात बताएं ऐसा क्या पूरा मामला ये है स्टार्टिंग में जिन लोगों ने मेरी कंप्लेंट करी थी डिपो के बारे कंप्लेंट करने के बाद मैंने उनको एक बात कही भाई जांच करवाओ साफ सुथरी जांच कराओ डीएफएससी ने जांच कर ली उसके बाद भी मैं जांच को तैयार हूँ अगर एक दाने का ब्लेम पा जाता तो मैं तुरंत प्रभाव से मैं अधिकारियों से अनुरोध भी करता हूँ कि भाई मेरे डिपो को रहने का कोई हक नहीं क्योंकि बेईमान आदमी का कोई डिपो चलाने का दायित्व तो नहीं बढ़ता। मैं तो अनुरोध करता हूँ डीएफएससी से भी ऊपर प्रशासन से भी भाई डिपो को रद्द कर दिया जाए अगर उसमें ब्लेम पाया जाता है। ये लोग वो लोग हैं जो 5-5-6-6 किले के मालिक हैं ये लोग वो लोग हैं जो लोग मतलब ये कभी आते नहीं आज तक जिसने मेरे ऊपर ब्लेम लगा इसकी आज तक ऑन मेरी मशीन नंबर में कोई पंचिंग भी पा जाए तो भी मैं गुनाहगार। जो ये दूसरा लड़का है हरिओम यू अगर इसने मेरी आगे मशीन में पंचिंग भी करी हो तो मैं गुनाहगार। इसका परिवार राशन उठाता है इसका परिवार लेकर जाता है ये तो कंप्लेंटर भी नहीं होना चाहिए जब इसका कोई दाना तक नहीं खाया। ये है ये सतीश आज तक मेरे दोहराया ही नहीं
थाने में आने की ये जरूरत पड़ी। इन्होंने कल डीएफएससी के उसमें दफ्तर में जाकर के एक ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए कि भाई ये तो गुंडा है, बदमाश है, ये तो क्रिमिनल है, ये तो बलात्कारी है, ये तो फलाना है, ढिमका, ये तो अपनी भतीजे की बहू ने लेकर भाज रहा है। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, लड़ाई आप डिपू की लड़ रहे हो, घरेलू लड़ रहे हो, मैं कभी किसी की बहन बेटी पर इल्जाम लगाऊंगा तो मेरे को भी शोभा नहीं देता, इनको भी शोभा नहीं देता। ऐसे ऐसे लोग हैं ना, ये ज़्यादा मतलब हाईलाइट होने के चक्कर में, ज़्यादा वाह वाह लूटने के चक्कर में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आरोप साबित करो, उसके बाद आप डिपू की भी कार्रवाई करो, ये भी करो, लेकिन आपको अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा दोगे? ये लोग ऐसे लोग हैं जो खुद के गृहबान में कभी नहीं झाँकते, खुद के गृहबान में कभी नहीं झाँकते कि उनका करेक्टर क्या, उनका परिवार क्या, उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन वो दूसरे के परिवार पर जाकर लांछन लगाना। मुझे भी अधिकार नहीं किसी के परिवार के बारे में बोलना, मैं तो ओपनिंग बात कहता हूँ, ओपनिंग में ये कहता हूँ कि बिजलो आरोप आ जाते हैं, आरोप की सफाई भी होती है, भाईचारे में बैठ कर दो बात भी होती है, लेकिन इन लोगों प्रचार करने की बजाय एक दूसरे का अपमान करना। क्या इस तरह की पुलिस अधिकारी, क्या महिला पुलिस अधिकारी ने कहा कि भाई आप मतलब हम कार्रवाई करेंगे, आप क्या चाहते हो? कार्रवाई करो, आपका काम है, अगर दिखे तो कार्रवाई करना, नहीं तो छोड़ देना, वो आपका काम है, लेकिन हमारा काम है हमारे तरीके से लड़ाई लड़ना। अभी यहाँ की लड़ाई शुरुआत हुई है, आगे देखो क्या क्या होता है। भाई लड़ाई तो लड़ेंगे, हमारे साथ नजायज कर रखे, अभद्र व्यवहार कर रखे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रखा, ठीक है मान ले रहे, डिपू तक सीमित रहो ना। मैं खुद कहता हूँ डिपू तक सीमित, बेटी उनकी मेरी बेटी है, मेरी बेटी वो समझे ना समझे अपनी बेटी, लेकिन मैं तो उनकी बाण बेटियाँ अपनी परिवार की तरह मानता हूँ, मैं कभी ऐसा सब बोलवे नहीं गा। जिस महिला ने शिकायत दी है वो रिश्ते में आपकी क्या लगती है? वो रिश्ते में ऐसा मेरी रिश्तेदारी में है स्टार्टिंग से ही, मेरी सासू की मतलब मेरी सासू की बुआ की पोती है, ठीक, ये मेरा निजी रिश्ता है, पारिवारिक है, आते जाते इसमें हमारा परिवार का आपस में आना जाना है, मिल सारा एक बात है, हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं, तो उसमें इन लोगों को क्या इतराज है भाई? इनकी कभी की रिश्तेदारी में क्या अणबन है, क्या उसमें प्यार प्रेम है, इससे हमने क्या मतलब है? क्योंकि निजी मामला हो गया, निजी मामले में अगर बकवादबाजी करना ये कानून अपराध है जी, वो मेरे लिए भी है और दूसरे के लिए भी। वो कह रहे हैं अभी सबूत भी हमारे पास जो हमने एलिगेशन लगाए हैं ना, को लेकर आपके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगा रखे हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने अपने भतीजे की शादी कराई थी उस दौरान इनका तलाक हो गया था, तलाक होने के बाद इनसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा, चाहे वो खराब है चाहे वो सही है, वो तो वो जाने, इनसे क्या मतलब है? अब उन बातों का क्या मतलब बैठता कि ये खराब था, ये सही है क्या, ये सही है क्या? देखो खुद बेटा बजा के ले रहा, दूसरा लड़का बजा के ले रहा, तो आगे तो मैं ज़्यादा लंबी बातें हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं दो ही तक सीमित रहे जो तो अच्छी बात है। खुद करेक्टरलेस बंदा, खुद मारे एक 14 मरले का प्लाट हड़प रहा, मारे बाप का बन रहा, इससे और 420 क्या हो सकती है? करेंगे भाई आपने हड़प रहा क्या? नहीं नहीं वो ऐसा है सर, मान लीजिए मेरे पिताजी के हम दो लड़के हैं, तीसरा लड़का यू धर्मे का है, मारे चाचा का लड़का, हम मेरे पिताजी तीन भाई थे, देईराम आबेराम और धर्म सिंह, ये धर्म सिंह का है, ये रजिस्ट्री में 420 करके देईराम का लड़का बन गया तीसरा, और उसमें 14 मरले में तो संभाग लिखवा रहे हैं, एक तीन मरले में उसमें देईराम का लड़का बन गया तीसरा, उसमें भी संभाग लिखवा रहे हैं, तो बताइए यू 420 करता है या मैं करता हूँ? उसमें तो भाई एक माँ के, हाँ माँ के एक है, लेकिन पिताजी का हक बढ़ता है, पिताजी की प्रॉपर्टी बढ़ती है कि माँ की प्रॉपर्टी होती है? कभी बाप के बाप किसी के दो हैं, ये होता है? ठीक है, पिताजी का हक माँ का हक बेटों का हक अलग अलग होता है, माँ पिताजी गुजरने के बाद हो सकता है माँ कृपा कर ले चाचा के साथ, चाचा के जो बच्चे होंगे तो चाचा का हक लेंगे, माँ तो हमारी है वो अपना लेंगे, ये आरोप है ना निराधार है। देखो वो तो कानून का काम है, मैं कभी कुछ नहीं कहता इस तरह की, कानून अपना काम कर लेगा, डिपू का बारे में कानून अपना काम कर ले, लेकिन भाईचारा क्यों खराब करें एक दूसरे पे लांछन लगा करके? कार्रवाई से संतुष्ट हो गए आप? देखो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे अगर कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो आगे तक ही पहुँच है। नहीं डिपू की लड़ाई में आपको क्यों खींचा गया है? मेरे कोई मैटर नहीं है जी, इनकी आपस की लड़ाई है, ये आपस में लड़ो और जो मेरे पर आरोप लगाए जा रहे नहीं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं वहाँ ऊपर पहुँचेंगे जी। अभी आरोप लगाए मेरा कहना ही है, हाँ जी बाजार में आपको छेड़खानी की है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल करी है जी, बिल्कुल छेड़खानी करी है, मारने की, मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी है और मेरे को धमकी दी है, मैं अपने सुबह जाऊं शाम ना आऊं, बिल्कुल इनने मेरा रास्ता भी रोका, जहाँ यहाँ कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं आपको धमकी क्यों दी? लड़के ने ये कहा है आपको धमकी क्यों दी?
लड़के ने ये कहा है कि जो आरोप आपने उन पर लगाए हैं, आप लोकेशन चेक करा लो, डेट फाइनल करो भी कब आपको धमकी दी गई है। अब तो सारा गया मैंने परेशान कर रहे जी। मैंने इनको कहा भी मखा चल मान जाएंगे, ठीक है नहीं कोई बात नहीं, फिर ये बोले चलो आगे देखेंगे। ये भी न कती सिर पर को पानी फिर देने जी, थाने में चढ़ना पड़ गया जी मैंने।